बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग के यहाँ सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर से होंगे। आज हम लोग बना रहे बैंगन। देखिए मैं साबुत बैंगन बना रही हूँ जो आप लोग के साथ, देखिए मैं शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने कट लगा लिया, आपको दिखाती हूँ मैं अभी। इसको ये भरे हुए बैंगन बनेंगे, इसको मैंने ऐसे कट लगा लिया। इसको बीच में चेक कर लेगा, इसमें कोई कीड़ा वीड़ा ना हो, जो सब्जी में कीड़े होते हैं उसी की बात कर रही हूँ मैं। देखिए इसको अच्छे से हम सेटों में से उतार लेंगे इसके। जी मम्मा, देखिए इसको हम चेक कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है। और इसको मैंने कट लगा के इसको सब बैंगन को धो लिए थे, अगर इसको ज़्यादा देर रखेंगे तो ब्लैक हो जाएंगे। इसको अभी हम सबसे पहले हम इसका मसाला भरेंगे आप लोग के साथ। देखिए अभी मैं शेयर करती हूँ, मसाला इसका रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी मैं मसाला इसका बना रही हूँ। ये मैंने लिया है कढ़ाई मसाला, इसके अंदर मैं अभी डालूंगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, 2 टीस्पून ऐड करेंगे हम। 1 किलो मैंने बैंगन लिए थे, और इसके अंदर 2 टीस्पून मैं पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड करूंगी। हम लोग कुटी हुई नहीं ऐड करेंगे, इसके अंदर पिसी हुई ऐड करेंगे। और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा आप लोग। मैंने 1 टीस्पून ही भरकर नमक भी ऐड कर दिया इसके अंदर। अभी मैं इसके अंदर धनिया और ये हल्दी ऐड करूंगी। धनिया पाउडर तो मैंने ऐड कर दिया, अब हल्दी ऐड करी 1 टीस्पून, पूरा 1 टीस्पून हल्दी था। इसको अच्छे से मिक्स करके सभी मसाले के अंदर अच्छे से लगा देंगे। और ये थोड़ा आधा टीस्पून जीरा पाउडर। अभी मैं इसके अंदर एक चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। एक ये चिकन पाउडर आता है ये वाला, मैं एक चाशी ऐड करी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब मसालों को। देखिए पूरा मैंने एक चाशी इसके अंदर ऐड कर दिया, 1 टीस्पून जितना ही होता है ये पैकेट में। सब मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम बैंगन को अच्छे से मसाला लगा लेंगे, सभी बैंगन को इसको अच्छे से मिक्स करके सब बैंगन में। देखिए अभी मैं बैंगन को मैंने अच्छे से धो लिया था, अब सब मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको हाथों की मदद से सब बैंगन में हम लगा देंगे। देखिए इसको अच्छे से हम इसके अंदर मसाला भरेंगे तो हमारे बैंगन बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा बैंगन में। देखिए हम सभी मसाले ऐसे अच्छे से मसाले लगा लेंगे और बाकी हम झाड़ लेंगे। देखिए ये जो छोटे बैंगन है इसमें भी अच्छे से मसाला भर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके सब मसालों को देखिए, ये देखिए हाँ माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है मसाला इसके अंदर भरा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको हम सब बैंगनों को ऐसे ही लगा लेंगे। सब बैंगन रेडी करके सभी बैंगन ऐसे हम बना लेंगे, मसाला भर लेंगे। जैसे हम इसको पकाएंगे रेडी करेंगे फिर आपको साथ साथ शेयर करते जाऊंगी मैं। देखिए मैंने सब बैंगन को अच्छे से मसाला इन्होंने भर लिया है, इसको हम साइड में कर देंगे और सब मसाला रेडी करते हैं इसका। देखिए इसको मैं सेट पे कर दूंगी, उसके बाद मैं इसको फ्राई करूंगी फिर आपको दिखाऊंगी साथ साथ। देखिए इसको हटा देंगे, अभी मैं आपको मसाले बताती हूँ। तो मैंने इसके अंदर ये देखिए मैंने 3 प्याज लिए थे, उसको मैंने बिल्कुल पीस लिया बारीक सा, इसका मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया, इसको बिल्कुल प्योरी बना ली इसकी। और ये मैंने टमाटर लिए थे 4 बड़े, उसको मैंने बिल्कुल अच्छे से पीस के प्योरी बना ली इसकी। और ये मैंने लिए सबस मिर्चे, 7 मैंने सबज मिर्चे लिए,
ये हम ऐड करेंगे इसमें और साथ साथ अभी हम बनाना शुरू कर रहे हैं, फिर आपको दिखाती हूँ साथ साथ। और ये जो मैंने मसाला उसमें भरा है और जो बाकी बच गया मसाले में ऐड करके हम इसको बनाएंगे। जी मम्मा, देखिए एक कप मैंने तेल लिया, तेल अच्छे से गरम, उसके बाद हम ये जो हमने प्याज की प्योरी बनाई थी वो ऐड कर देंगे इसमें। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया, मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। मैंने प्याज की प्योरी बनाई थी, इसमें सभी ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से अब हम भून लेंगे प्याजों को। देखिए अभी हम बैंगन फ्राई करेंगे, इसकी मैंने तेल ऐड कर दिया, इसको अच्छे से तेल को गर्म करेंगे, उसके बाद हम बैंगन ऐड करेंगे। दो दफा फ्राई होंगे, मैं आपको भी दिखाऊंगी साथ साथ। देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है और मैं इसके अंदर बैंगन ऐड करूंगी। सबसे पहले तो हम बड़े बड़े जो बैंगन है वही ऐड करेंगे इसमें, ऐड कर देंगे। ये बड़े वाले के सबसे पहले हम वही ऐड करके इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए मैं इसको कवर कर रही हूँ, कवर करेंगे इसलिए ये तेल जो है छीटे बाहर हो रहा है। प्याज को अपने देखेंगे अभी। देखिए हमारे प्याज भी अच्छे से, जैसे हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी, फिर टमाटर ऐड करूँगी। देखिए मैं अपने बैंगन को निकाल लूँगी, अच्छे से फ्राई हो गए थोड़ा तक से, देखिए और माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। ये सालन के अंदर जब डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। उनको मैं सभी बैंगन ऐसे फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे प्याज हो गए, अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दी, सबसे पहले जो प्योरी बनाई थी वो ऐड कर देंगे, सभी ऐड कर देंगे इसमें। उसको अच्छे से हम भून लेंगे, उसको अच्छे से हम भून के हमने मसाले को बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना है इसको, सभी मसालों को। और मैं जो मसाला उसमें भरा था बैंगन में वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत छीटे हो रहे और मैं इसको अभी कवर कर दूंगी, तो बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। देखिए मैंने बैंगन सभी फ्राई कर लिए और ये मैंने मिर्चियों को मसाला लगाया था, जो मैंने बैंगन में मसाला भरा था वही मैंने मिर्चियों में मसाला भर के इसको भी हम फ्राई कर देंगे। इसको हम फौरन कवर कर देंगे मिर्ची ऐड करके। और देखिए मैं अभी आपको बैंगन दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से फ्राई हो गए बैंगन हमारे, हमारा साथ में मसाला भी बन रहा है, इसको भी हम सेट में कर देंगे। हमारे साथ में मिर्चें भी फ्राई हो रही है। देखिए माशाल्लाह हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से भुन रहा है। अभी इसके अंदर पानी है इसलिए छीटे हो रहे बहुत ही इसके ऊपर, तो हम वापस कवर कर देंगे। और मैं इसके अंदर दही भी ऐड करूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी साथ साथ। देखिए हमारी मिर्चें भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई, मैं इसे चूल्हा बंद कर दूंगी, इन मिर्चियों को निकाल लूंगी बाहर। मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, सभी मिर्ची हम निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन रहा है, मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ। खाने वाले मैंने 3 चमचे दही लिए थे वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करके इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी, हमारे दही का जो पानी है बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। थोड़ा हम ऐसे ही अभी लगा देंगे क्योंकि इसके ऊपर छींटे बहुत उड़ रहे थे। देखिए अपने मसाले को चेक करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला माशाल्लाह भुन गया। मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी क्योंकि मैं 2 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। जैसे बॉयल आएगा उसके बाद हम इसके अंदर बैंगन ऐड कर देंगे।
इसको अच्छे से मिक्स करके, देखिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। इसको जैसे अच्छे से बॉयल आएगा उसके बाद हम इसके बैंगन ऐड करेंगे। अभी मैं इसको कवर कर रही हूँ, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है मसाले में। मैं इसके अंदर बैंगन ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह, देखिए हम सब बैंगन इसके अंदर सभी ऐड कर देंगे। मैं ऐड करके फिर आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए मैंने सभी बैंगन ऐड कर दिया। इसको अच्छे हल्के से हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे, बैंगन हमारे कहीं टूट ना जाए। सब बैंगन मसाले के अंदर डिप कर देंगे। देखिए माशाल्लाह, इसको हम कवर कर देंगे। तब तक कर गए जब तक कि अच्छे से मसाला बैंगन में अच्छे से जब्स हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारे बैंगन बॉयल हो गया है। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्ची जो मैंने फ्राई की थी वो ऐड कर रही हूँ इसमें। ओ सॉरी, हरी मिर्ची। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया भी ऐड करूँगी। उसके बाद हम डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा मसाला बन गया। देखिए इसको हम कवर कर देंगे वापस। मैंने इसके अंदर मिर्ची ऐड की है, इसकी अच्छे से खुशबू आ जाए मसाले में। देखिए अभी इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और माशाल्लाह हमारे बैंगन बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। इसको अच्छे से हम अभी मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद हम डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए बैंगन कितने प्यारे बन गए, माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गए। मैं आपको भी चेक करके भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे बैंगन बन के रेडी हो गए। इसको अच्छे से अभी हम इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, इसके बाद हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमने डिश आउट कर लिया, बैंगन भरे हमारे बन के रेडी हो गए। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी रेसिपी, दोस्तों जरूर शेयर किया करें। इसी वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।